हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अपन लोग आ चुके हैं वापस से खेलने कार फॉर सेल सिमुलेटर, एंड आज अपन लोग करने वाले हैं फरारी सेल। तो अगर लास्ट वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा तो अपन लोगों ने ना काफ़ी सारी फरारी जमा की थी, अराउंड 20 कर ली थी अपन ने। तो आज अपन लोग सेल करेंगे एंड अपन चेक करेंगे कि कितना हो सकता है, इसलिए कि अपने पे आई थिंक मेरे को और 3 मिलियन कुछ रखा है अपने पास, और अगर फरारी बेचेंगे तो मेरे को लग रहा है रफली रफली 8 मिलियन के आसपास आ जाएगा। तो मेरे को मतलब ना 10 मिलियन के ऊपर करना है टारगेट टोटल। ना इनिशियल टारगेट 20 मिलियन का है, मतलब जो स्टार्टिंग में मैं सोचा, बट एक साथ तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे जाएंगे। मतलब मैं रेड बार वगैरह से करके कर सकता हूँ, बट प्रॉपर कार सेलिंग करके करना है अपने को। तो आज अपन लोग ना यही करने वाले, कार्स अपन सेल करते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी कार सेल होते हैं, एंड ऑक्शन में अगर और कोई रेयर कार आ गई तो वो भी देखेंगे। इसलिए कि लास्ट वीडियो में अपने साथ ना स्कैम हो गया था, अपना माजदा मिली थी, मैं बाय भी कर लिया, बट ऑक्शन खत्म होने से पहले मैं डायरेक्ट डे स्किप कर दिया, लीव करके, मतलब ऑक्शन लीव करके घर पे आके सो के आया, तो वो आई ही नहीं कार। वो मेरे को लगा आ जाएगी बट आई नहीं, वापस से मैं ट्राई किया था बट हुई नहीं। तो अपने को ना वेट करना पड़ता है अगर लाइक ऑक्शन में अपन अगर रहते हैं तो। और अगर लाइक कोई नया है चैनल पे तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर सिमुलेटर गेम पसंद है ये गेम भी देख लो एक बार अगर नए हो तो, या अगर कोई और गेम देखते हो तो भी एक बार ये गेम देख लो, पसंद आता है तो कमेंट्स कर देना वीडियो में, और अपन लोग और कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी सारे गेम्स मेरे लिस्ट में है बट लॉन्च होने वाले हैं, अभी लॉन्च नहीं हुए। बाकी अभी मैं देख रहा हूँ जो गेम लॉन्च हो गए होंगे कोई भी, तो वो भी अपन देख रहा हूँ मैं कि हो जाए अच्छे से, बट अभी ना कुछ मिल नहीं रहे, कुछ अपडेट है नहीं कोई गेमों में कुछ खास अपडेट। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग ये अपना हुक्का सिमुलेटर, हुक्का कैफे सिमुलेटर एक करके है, वो देखोगे? मतलब वो रखूँ, ये ना साफ कर देता हूँ एक सेकंड, ये देखो एक बार। क्लीनिंग तो नहीं करते हैं फरारी आई गेस, या तो कर लें बोलो तो। एक्सपी कितना, एक्सपी मिलनी 4 पॉइंट चाहिए अपने को एक्सपी। चलो मैं क्लीन कर ही लेता हूँ फटाफट, लगे हाथ ये भी हो जाएगा ये तो। अरे यार ओके पहले अच्छा मेरे को ये बता देना, हुक्का कैफे सिमुलेटर या ऐसे करके कुछ है? मतलब मैं ज़्यादा देखा नहीं हूँ, बस एक वीडियो ऐसे ही मैं चेक करने देखा कैसा है। तो या तो वो, या तो बोलो तो अपना कार डीलरशिप सिमुलेटर करके जो आता है एक, वो तो वो दो में से कुछ एक अपन स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए कि अभी तो और कोई गेम में अपडेट है नहीं, तो अपडेट का वेट हो ही रहा है अपने पास। तो कमेंट्स में बता देना तुम लोग क्या सीन है, वो हिसाब से करते हैं अपन। इसको बंद करूँ, ओके चलो फटाफट इसको धोते हैं, इसलिए कि अभी अरे यार रात होने ही वाली है, वापस से गंदा। चलो कोई नहीं, धो देंगे, रात हो जाएगी फिर सीधा अपन सेल पे लगा देंगे, इसलिए कि अभी मैं लगाऊंगा भी तो अपने को नेक्स्ट डे आना ही पड़ेगा ना, तो ये एक काम निपटा लेते हैं। और अनपेड बिल वगैरह का क्या सीन है पता नहीं यार, वो तो हमेशा ही बता रहे हैं, अब इनका कुछ अपडेट आएगा तब फिक्स होगा वो जाके, तो वो देखते हैं फिर उसका भी क्या सीन है। और मेन ना आज मेरे को देखना है ऑक्शन में आज कोई आती है क्या अच्छी गाड़ी, इसलिए कि लास्ट टाइम तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी फरारी अपने को बाई करने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब अपन ने डे आई गेस डे 180 में चालू किया था, नहीं नहीं 180 में भी नहीं, ज़्यादा ही और पहले ही चालू किया था अपन लोगों ने, फिर भी वो नहीं हुआ, मतलब 200 दिन के ऊपर लग गए थे अपने को। तो पता नहीं अभी आज कितना लेगा या कितनी गाड़ी आएंगी, तो वो भी अपने को चेक करना है, इसलिए कि ना ये सब काम होते होते ही ये सब गाड़ियाँ मिल जाएंगी ना तो ही सही है। ये अपनी GTR भाई, इसका तो भाई क्या बोलूँ भाई, ये गाड़ी तो मतलब लुक वाइज भी देखो ना, अगर मस्टैंग वगैरह से तो एकदम अलग स्पॉट हो जाती है, देखो मतलब दिखने में थोड़ा सिमिलर लगेगा शेप पे बट अलग है मस्त। बट मेन चीज़ इसका ना ये साइड दिया है सीटिंग, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा कि एकदम अलग है सीटिंग इसका, टेंशन ही नहीं कुछ। ओके भाई लोग हो गया अपना फाइनली डे 2, तो अपन ने क्लीन वगैरह तो कर लिया, एक एक्सपी पॉइंट हुआ है और एक चाहिए अपने को, तो वो चलो ओवर टाइम हो जाएगा, हाँ एक और चाहिए होगा ठीक है। अभी ऑक्शन खुला है 3 बजे, तो जाते हैं एक बार ऑफिस एंड लगे हाथ ना एक बार। पहले मैं सोच रहा हूँ, हाँ पहले ना इसकी नहीं, काम करते हैं ऑक्शन ही चल लेते हैं, पहले जाके वहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या क्या लाइक अवेलेबल है, उस हिसाब से फिर यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो अपन गाड़ियाँ आराम से लगा सकते हैं, अपना ऑफिस वगैरह खोल लेंगे, अगर अवेलेबल है तो फिर प्राइसिंग लगा के यहाँ के बढ़ जाएंगे अपन ठीक है। एंड मेरे को ये कमेंट्स में बताओ कि लाइक कैमरा पोजिशन जो है मेरी, तो ये मैं प्रॉपर है उतना या उसको थोड़ा नीचे कर दूँ? मतलब वो तो ग्लिच है अभी, जो अनपेड बिल्स एंड ऑफिस इज डर्टी आ रहा है तो वो तो ग्लिच है, वो तो अभी वैसे ही दिखेगा,
तो या तो वो फिक्स होने के टाइम, या तो मैं कैमरा पोजीशन चेंज कर दूँ थोड़ा लेफ्ट राइट, या तुम लोग बताओ कमेंट्स में। ओ ये कौन सी है, एक सेकेंड, ये तो ये अच्छा ऑडी है। अरे यार कोई नहीं है, रेयर कार कुछ भी नहीं है, छोड़ो। चलो अपन अपनी फरारी को लगाते हैं सेल पे। एक बार मैं ना चेक कर लेता हूँ अपने फरारी का प्राइस कितना था, वो हिसाब से ना सेल पे लगाते हैं। अच्छा मैं सेल तो यहीं से लगा सकता हूँ ना, वहाँ जाना क्यों, यहाँ पे लगाते हैं फिर आराम से जाते हैं वहाँ पे। ओके अभी ओके यहाँ पे है, ऑन सेल तो नहीं है, ऑल कार से नॉट। अच्छा ओके ठीक है, ये अपने को कम में मिली, 1,40,000 में मिली। ये कैसे मिल गई भाई इतना कम में, ये देखो 3,00,000 में मिली भाई। कोई कोई ना बहुत कम में मिली अपने को फरारी, कोई कोई 3,00,000 में मिली, 1,40,000 में मिली। यहाँ पे बाइंग प्राइस इनको यही दे देना चाहिए यार अलग से, तो 3 के आसपास पड़ी अपने को। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं और थोड़े, हाँ मतलब 3, 3.5 में पड़ी अपने को फरारी, तो लगभग लगभग ऑडी के आसपास ही पड़ी है। मैं ना ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ऑडी के प्राइस में ही बिकेगी ये या उससे ज़्यादा बिकेगी, हालांकि ये है तो आई गेस उससे ज़्यादा ही वैल्यू की। और इसका काम करते हैं ना एक बार, लाइक अच्छा यहाँ चेक कर लेते हैं ना कितना प्राइस है। 5.5 लाख, इतना पर इतना कम प्राइस कैसे भाई, ऑडी इसका फरारी है ये, एक सेकेंड, इतना कम प्राइस कैसे है फरारी का प्राइस इतना कम। हाँ देखो हाँ भाई ऑडी अपन ने 800-900K में बेची है। ठीक है काम करते हैं अभी, फिर इसका भी अभी 900,000 ही रखते हैं प्राइस, देखते हैं वहाँ पे फिर किस हिसाब से ऑफर्स आ रहे हैं वो हिसाब से लगा देते हैं। और क्या, अरे यार मैं सोचा था अच्छे प्राइस में, मतलब ठीक है 900,000 में अच्छा खासा प्रॉफिट अगर एक्चुअल में बिक गया उतने में, इसलिए कि अपनी ऑडियो वगैरह ना 800 मतलब 8,00,000 के हिसाब में बिक जाती थी इजीली, तो आई गेस होनी चाहिए, बट अभी देखते हैं। इसलिए कि फरारी मैंने पहले सेल किया है, बट मैं इतना डिटेल में नोटिस नहीं किया कि क्या सीन है उसका, बट लगभग लगभग जो अपने को मिली है ये देखो, लगभग 3, 3.5 में एक एवरेज प्राइस है अपने फरारीज का। हाँ ये देखो सबका प्राइस लगभग वही है, सेल 5,00,000 ही बता रहा है सबका, देखते हैं। चलो ओके अभी मेरे को बस चेक करना है, बस बिक जाए यार, अगर 900K में भी बिक गए तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा यार आई गेस। अच्छा 20 है ना अपने पे, मैं तो 10 के हिसाब में जा रहा था, अगर 20 अपन करेंगे तो एक सेकंड, 20 फरारी, हाँ सारी एक बार ना वापस से चेक कर लेता हूँ। ओके फरारी फरारी फरारी, एक काम करते हैं ना डायरेक्ट वहीं जाते हैं, चलो दिन भी हो गया अपना, चलो मस्त। एंड ये दो गाड़ियाँ ना अपन कोई स्ट्रीम पे या फिर अपने इसमें सेल कर दें कोई वीडियो में, अपने रंजीत भाई ने बोला था ये, तो वो वीडियो पे सेल करके ना उतना सही नहीं, तो ओके सही है भाई। ये व्हाइट वाली था, मैं ऐसे देख रहा था, मेरे को दुबई पुलिस की गाड़ी याद आ रही है, लाइक जो वीडियोस वगैरह में देखा है अपन ने वो याद आ रही है, व्हाइट वाली देखो तो, रेड वाली तो नॉर्मल है स्टैंडर्ड है, ब्लैक वाली देख के एक थोड़ा ग्रुप गैंग टाइप फील आ रही है, एंड येल्लो देख के टैक्सी, अरे अजीब अजीब फील आ रहे। अरे भाई वो वहाँ कहाँ चले गया, अबे अच्छा ये लोग ऐसे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। ओके हेलो सर कितना दोगे प्राइस, भाई अच्छा प्राइस देना यार, इज्जत मत डुबाओ। 4,00,000 हद होती है यार, इतना कम प्राइस कैसे भाई 4,00,000 का, फरारी का वैल्यू नहीं आता है क्या ज़्यादा भाई, अगर एक्चुअल में इतनी इतने ही प्राइस आ रही है फरारी की तो फिर क्या बोलूँ मैं, मतलब ठीक है। ये देखो ये भी रेक 377, क्या चल रहा है इतना कम प्राइस, मतलब 4, ओके ये 4.5 लाख दे रहा है। ओके मेरे को लग रहा है ना फिर 5,00,000 के ऊपर नहीं बिकेगा क्या, एक बार इसको ना 6,00,000 डाल के देखते हैं, शायद ले देख ले, डाउट ही है मेरे को 6 में भी ये लेगा, बट ठीक है डाल के तो देखते हैं। अब 5, 5 भी मुश्किल है यार इसका, 550 कर देते हैं, आई डोंट थिंक लेगा ये 550 में भी, आई थिंक 5 में ही लेगा ये, मतलब ठीक है दो भी 2, 2 लाख का। ओके तो 5,00,000 में गई है तो भी ठीक है, मतलब 2,00,000 1.5 लाख का ही फायदा हो रहा है यार, ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है।
नहीं यार इतना भाई, ये तो उम्मीद से बहुत कम हो गया। मतलब अब एक्चुअल में अपने ऑडियो वगैरह की ज़्यादा ये है अपना फायदा। छः लाख ना, इसको कर लेता अपन कॉपी, सीधा सबको पेस्ट करते हुए जाएंगे। आई डोंट थिंक यार ड्रोन सेल कर, देखते हैं चलो क्या सीन है। एक बार जो अच्छा ऑफर दे रहा है ना, पहले उनको ही सेल करके देखते हैं, तो अपने को एक आइडिया भी आ जाएगा। 6 का तो नहीं जाएगा, मुश्किल है, 5.5-6 मेरे को लग रहा है जाएगा। साढ़े पाँच के आसपास ही जाएगा लग रहा है। ओके, तो मतलब ठीक है, उतना ज़्यादा अपने को ठीक अभी। अरे यार इनका तो 3 लाख का बजट है, नहीं सॉरी ये थोड़ा अलग कांड हो गया यार। या तो अभी पुरानी गाड़ी है उस लिए, या तो फिर ऐसे हो रहा है। अबे चले गए, अबे बात करते करते क्यों चले जाते ये लोग। 9 लाख बहुत ज़्यादा हो गया यार। ओके ठीक है, तो फिर 5500 ही रखना पड़ेगा अपने को। अबे देखते हैं, चलो यही रखते हैं फिर, अभी क्या कर सकते हो। और नहीं यार उतना कम में तो नहीं होगा, अभी मिनिमम 5.5-5 में तो बेचना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जो बताता है वो मैक्स प्राइस उतना ही रहेगा, मैक्स प्राइस, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अपन। ओके ठीक है चलो, ये तो समझ आया। तो अब से ना एक आइडिया आ जाएगा अपने को, एक गाड़ी अपन खरीदेंगे कोई भी ना, तो उसका फिर अपन सेलिंग वैल्यू देख लेंगे वहीं पे। तो ना अपने को काफ़ी अच्छे से एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने में बिकती है, तो वो हिसाब से फिर बाइंग का आइडिया आ जाएगा अपने को। क्या क्या प्राइस है देखते हैं एक बार। अबे यार भाई ये तो बहुत मुश्किल है यार, डोंट सेल। मतलब 4 के नीचे तो कोई बात कर रहा है उसको भगा ही दो फिर सीधा। ओके इसको बेच सकते, काम करते हैं 6 लगाते हैं, फिर 5-5 में करेंगे इसको सेल। ये थोड़ा कांड हो गया यार, मैं सोचा नहीं था मैं इतना, पर ठीक है सीख रहे हैं अभी अब। अरे यार भाई वो 5-5 में लिया, ये तो और नहीं ले रहा है। ले ले नहीं होगा, छोड़ो इसका उतना ही है। यहाँ देखते हैं भाई साहब क्या हो गया ये। ठीक है तो आई गेस फिर 5 तक ही जाए, एक सेकेंड, 5 तक ही जाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ये लोग तो और भाई नेगोशिएशन, मतलब प्राइस इनको जितना भी दो ना कम ही कराते जाते हैं, इतना 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 करके। 4 लाख, 5.5 करते हैं फिर, देखते हैं क्या बोल। भाई यार भाई ये ना बहुत गंदा सीन हो गया यार अपने साथ। डोंट सेल, सॉरी। आई थिंक एक ही वीक ही है ना अभी तक इतनी देर में, इनको तो प्राइस और कम है, छोड़ो। ओ भाई तो भी अगर मैं हिसाब अगर लगाऊँ 5 लाख का भी, वो तो 10-10 मिलियन तो हो जाएंगे अपने ऐसे ही फिर। हाँ 10 मिलियन का तो टारगेट हो जाएगा। तो मतलब अगर अपने को प्रॉफिट कमाना है ना, तो फिर अपना ऑडी वगैरह ही बेस्ट है फिर। मेरे को तुम लोग ना कमेंट में बताओ सबसे, लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट होती है। तो है, अरे यार मेरे को लग रहा है 4.5 में, 4-4.5 में बेचना पड़ेगा या 1-1 लाख का फायदा करना पड़ेगा। ऐसे तो मतलब वर्थ इट ही नहीं लग रहा है मेरे को। मतलब ठीक है 100K फायदा वैसे ठीक है, ओवरऑल 1-2 मिलियन का फायदा होगा, बट थोड़ा ज़्यादा हो तो मज़ा भी आए, इतने कम में क्या करेंगे। काम करते हैं, जाते हैं अपन पहले आगे, आगे बेचते हैं यार, आगे पूरे आके खड़े हैं तब से। इतने कस्टमर्स आ गए, इतने सारे गाड़ियां अपन ने लगा दिया है कि देखते हैं इनका क्या है। 5.5 तो मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा, लाइक ऑलमोस्ट नेक्स्ट टाइम पॉसिबल ही लग रहा है अभी मेरे को 5.5। देखते हैं क्या सीन है, कैन यू लोअर इट। नहीं यार इतना कम कहाँ से करूँगा। तो भाई इसके आँख देखो क्या खतरनाक आँख है। ठीक है मतलब ये लोग 4.5 वगैरह में लेंगे, वही एवरेज प्राइस जो बताया था उसमें उतना ही है एवरेज प्राइस। यार
कंसिडर इज रिड्यूसिंग, अरे कितना रिड्यूस करूँ यार भाई। फर्स्ट बता लिया, मेरे को लगा चलो ठीक है अपन 8-9 लाख मान के थे, बट ये इतना हुआ, ये तो कुछ भी चल रहा है। चलो दूसरी भी बिक गई फाइनली, 5 में ही बेचते हैं यार, ऑप्शन नहीं है। 5 लाख, 5 लाख की करके बेच देते हैं, ख़त्म करते हैं। आई डोंट थिंक 5.5 में भी जाएगा कोई। कोई अच्छा ऑफर अगर दे रहा है, ओ चलो अगर कोई अच्छा ऑफर दे रहा है 4.5 के आसपास तो उसको बात। बट ये लोग ना ज़्यादा बढ़ाते नहीं है यार, दिक्कत हो पता है। लाइक थोड़ा बहुत ये बढ़ाते हैं ये लोग प्राइस, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ाते हैं। तो वो हिसाब से देखा, जैसे इसका है तो ये अपने को 4.5 तक आएंगे, ये इसका 4.5 तक आ जाएगा रफली रफली। तो ये थोड़ा ना अपने को देखना पड़ेगा। इसका मुश्किल है यार, 4 लाख का बजट है तो मतलब 4.20-4.30 वाले चाहिए अपने को, 4.5 के आसपास वाले। तो उन लोग को 5 तक अपन चिपका सकते हैं, ये भी नहीं लेगा। इनको देखते हैं, दीदी को, दीदी सॉरी आंटी, ये भी चले गए। वाह भाई आते हैं, हेलो सर, ओके कितना ऑफर दे रहे हो, जल्दी तो चल। अभी यार नहीं होगा, छोड़ो। 4:30 ऐसा, 4:40 ऐसे वाले, ऐसे वाले चाहिए। तो उन लोग का अपन थोड़ा बहुत 50-60 हज़ार बढ़वा सकते हैं बातचीत करके। देखते हैं अभी कितना आ जाएगा भाई। सबसे ज़्यादा मेहनत अपने को लगी थी सुपरा बेचने में, जो अपन ने लाइव स्ट्रीम में बेची है सुपरा, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी थी। चलो एक और बिक गई, उसमें बहुत दिक्कत हो गई थी भाई सुपरा, इसलिए कि उसमें मार्जिन भी ज़्यादा नहीं था, फिर मगजमारी भी बहुत थी उसके लिए। तो ये सब में तो चलो मार्जिन वगैरह भी ठीक ठाक ही है यार। ये ना एक तो मेरे को समझ में आया, गेम जब जब ऑटो सेव होता है तो लैग क्यों मार देता है एक की। तो इनका क्या है सीन प्राइस का? अरे दीदी एबीएस वीबीएस सब है, नो टेंशन। तो 5.5 ट्राई कर सकते हैं, बट ना फिर हर एक को मैं बढ़ाऊँ कम करूँ तो उसलिए 5 ही कर देते अपन। मैं सोच रहा हूँ या तो सारे गाड़ियाँ रिमूव करके फाई कर दूँ, जिसको देना होगा वो डायरेक्ट ही दे दे। ये तो नहीं देगी, छोड़ो ऑलरेडी उतना कम है उसका। ये लेगा क्या? हाँ ये ले लेगा, पर सेफ्टी के लिए इसको 5.5 डाले, देखते हैं क्या बोलता है। आई डोंट थिंक लेगा। 5 ही डालते हैं, छोड़ो ले लेगा 5 तक। हाँ चलो चलो भाई, तो 5 लाख के हिसाब में चलो फिर। ओ तीन तीन लोग हैं ना यहाँ, देखते हैं कौन कितना दे रहा है। कोई 4.5 दे रहा होगा डायरेक्ट उसको भेज देंगे, दूसरे से बात नहीं करेंगे। ये 4, उसका 4 है, इसका कितना है? ओह ठीक है, इसकी ये ले लेगी 5 तक। अबे ये क्या होता है यार, चलेगी डायरेक्ट? अबे यार देखते हैं, चलो इसका 4 दिया ना, ये 5। अबे पूरे ही भाग गए, भाग रात हो गई ना। चलो चलो जाते हैं वापस से घर पे, सो के आते हैं। तो अभी तक अपन ने एक बार जाके देखते हैं ना कितना प्रॉफिट किया अपन ने, मतलब वही समझो 2 गाड़ी पे 1 मिलियन का हिसाब हुआ है अपना। तो देखते हैं चल के, बाकी ऑक्शन वगैरह लग जाएगा तो ओके। तो अपन ने 2.5 मिलियन किया है अभी, मतलब 2.5 मिलियन क्या, अपन ने 4 गाड़ी बेची क्या? एक दो, दो याद है मेरे को, दो या तीन याद है मेरे को, 4-5 का बेच दिया अपन ने। 2.5 मिलियन मतलब 5 के आसपास बेची है अपन ने। देखते हैं एक बार उसको चल के यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके येलो वाली 5 थी, अच्छा 3 येलो, हाँ नहीं 2 येलो गए एंड 2 ब्लैक गए, 1 वाइट। 1, 2, 3, 4, 5 बेचा अपन ने। ओके भाई यार ये कचरे की ऐसी की तैसी। चलो ये कचरे सेट को फेंक के आते हैं फटाफट, फालतू में वरना जमा होगा और ज़्यादा जान खाएगा। एक और लास्ट वाला फटाफट फटाफट, अरे यार निकल बाहर। मस्टैंग मेरे को लग रहा है ना 1 मिलियन के आसपास चली जाएगी मेरे को ना। मतलब एक बार तुम लोग ये बताओ कि कौन सी गाड़ी, लाइक 1 मिलियन में या 900,000 में कौन सी गाड़ी आ जाते हैं? ये तो नहीं लेगा पता है इसका, छोड़ो। 3.5 मतलब लाइट ले लो उनको, 4:30 के ऊपर ही अपने को बंदा चाहिए। हाँ ये ले लेगा, तो इसको ना सेफ्टी के लिए 5.20 मारते हैं, कैद ले ले। ओ ले लिया, नाइस। चलो देखते हैं फटाफट क्या सीन चल रहा है। नो डैमेज आ रहे दीदी, कुछ नहीं है डैमेज वैमेज, सॉरी।
इतना। ओ भाई ये लेगी, ये लेगी। इसको ना एक बार सेफ्टी के 5.5 डालते हैं, 1 लाख बढ़ के डालते हैं, शायद ले ले। अरे ले लो दीदी, ठीक है काम करते हैं। चलो 30,000 कम कर देता हूँ आपके लिए। चलो 5 ही में करते हैं भाई, छोड़ो दिक्कत हो जाएगी। गुस्सा हो रहे हैं ना ये लोग, चले जाएंगे। ज़्यादा लालच के चक्कर में दिक्कत नहीं करते। 1-2 लाख मतलब ठीक है, मोटा मोटा अपने को एक हार्डली कितना फर्क होगा अगर अपन हर गाड़ी पर 50-50 हज़ार भी कम करें तो 1.5 मिलियन के आसपास। ठीक है वो कवर हो जाएगा बाद में आराम से, सीन नहीं है वो। आई कैन पे यू? नहीं दीदी सॉरी, इतना कम तो मैं नहीं दे पाएगा। इसका क्या है, इनका 900,000? तो नहीं सॉरी, ये लो आपकी जुड़िया वाइफ ने अभी गई थी। इनका कितना है? ओके तो इनको भी 5.5, जो 4.5 दे रहा है ना उसको 5.5 डाल के देते हैं। ओके मतलब जिसका जो ऑफर आ रहा है उससे 80,000 बढ़ा सकते हैं आई थिंक अपन, रफली रफली देखते हैं। रुको ये नहीं ले रहा। हेलो यार, ले क्यों नहीं रही? अच्छा ओके हाँ तो ओके 80 नहीं 60-70 हज़ार अपन बढ़ा सकते हैं इन लोग के ऑफर प्राइस से, देखते हैं। तो वही हिसाब से तो फिर आप नहीं, तो भी मतलब 4 लाख प्लस ही चाहिए अपने को, वही 430 के आसपास चाहिए। जैसे इसका है तो इसका चांस है ये ले लेगी। नहीं सॉरी, अरे सर वहाँ कहाँ देख रहे हो, गाड़ी यहाँ है। अभी दो दो लोग हैं, वाह ऐसा ये लोग घुसे रहते हैं ना एक के अंदर एक, दिखते नहीं है। तो डाउट है इसका थोड़ा, ये बोलेगा। ओ ले लिया, चलो नाइस। ओके इनका देखते हैं फटाफट कितना है। तड़कता भड़कता ऑफर दो तो मज़ा भी है अपना ना। बस जो स्टार्टिंग का बंदा आया था और अभी जिसको अपन ने भेजा था, ये दो ही अच्छे प्राइस में गई है, बाकी सब लोगों ने ना लगभग लगभग वही प्राइस मिली है। चलो हो गया। हेलो सर, लास्ट येलो कार ले लो, बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त टैक्सी टाइप लगेगी। ये मुश्किल है इसका, थोड़ा ले सकता है बट थोड़ा मुश्किल है। हाँ ओके कम करना पड़ेगा। लाइट लो, मेरे को ना एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये देखो फरारी तो पीली टैक्सी लगती है बट अपनी मस्टैंग देखो तो नहीं लगती है। वो या तो मे बी जो सेल है वो रेड रेड के वजह से सब फील हो रहा है, रेड टैक्सी वगैरह पे होता है ना येल्लो में, तो मे बी उस वजह से वैसी वाइब आ रही है। चलो देखते हैं। ओ भाई चलो गया, मतलब 5 लाख तक हो रहा है। ठीक है एक बार ना अभी अपन इनके स्टैट्स में चेक करते हैं, एक सेकंड। 5 लाख कितना एवरेज प्राइस है या एवरेज के आसपास है? अबे वो कहाँ चले गया, एक सेकंड। एक तो खुद ही नीचे ऊपर हो जाता है यार, ये अलग बात है। ओके अच्छा तो ये दोनों के बीच का ही है, हाई प्राइस के जो सेंटर में आता है इन दोनों के, वो प्राइस अपने का रखना पड़ेगा। एक रफली आइडिया दूँ तुम्हें, ठीक है? अबे यार ऐसा ऑफर दो कि मज़ा आ जाए, दिमाग घूम जाए। अबे ये अबे दिमाग घूम जाए मतलब अच्छे से, गुस्से में नहीं। ऐसा फालतू तो ऑफर दे रहे हैं यार ये लोग। कोई कोई अच्छा देता हो कि आंटी का थोड़ा ठीक है बट मुश्किल है इनका भी। हाँ नहीं लेंगे पता था, दिक्कत वही है थोड़ी कि ना बहुत देख के लेना पड़ता है। आंटी जी आप शायद ले लो, तो वही है 10-15 कम करूँगा बट 5 रखूँगा यार, 5 से नीचे नहीं बेचना है मेरे को, भले ही थोड़ा टाइम लग जाएगा चलेगा, 5 के नीचे नहीं बेचेगा मैं। ओके ले लो सर, चलो मिल गए भाई इसको भी। हेलो दीदी ले लो लास्ट हेलो फरारी आज की। वही यार ऑफर तो डाल के देखते हैं, भगाने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट एक बार ऑफर डाल के देखते हैं। एक ऑफर अपना तो बस, उसके अलावा ज़्यादा ये अप्पा करने की ज़रूरत नहीं। ओके ये ले लेगा, मतलब इन लोग का मेरे को पता है बट मैं थोड़ा बढ़ाना सोच रहा हूँ बट फिर मतलब नहीं है। हेलो आंटी जी ले लो, लास्ट वाइट है आज की। कि मतलब बढ़ा के ठीक है, उतना कुछ फिर बात नहीं रहती है कि 10-15 हज़ार के लिए बार्गेनिंग करूँ, उतने में दूसरे कस्टमर्स निकल जाएंगे अपने इतने। जब कम गाड़ियाँ रहते हैं ना तब वो चीज़ समझ में आती है अपने को। तो लगभग लगभग एक गाड़ी पर अपने को 175 का फ़ायदा हो रहा है, अगर मोटा मोटा देखें अपन 170 मान लो सेफ साइड, तो अपने को सब पे मिला के मैक्सिमम जो है 3 मिलियन का ही फ़ायदा होगा। तो
उतना बड़ा फ़ायदा नहीं है। मतलब देखो अगर तुम कि अपन लोग इतना पैसा डाल के इतना टाइम लगा के मॉडिफाई करें, कलर वलर जमाओ, साफ सफाई करो, सब करो, और मतलब बुरा नहीं है, बट एक रहता है ना कि अगर तुम लाइक 10 मिलियन की कार तुम लगा रहे हो तो कम से कम तुमको एक 17 मिलियन के आसपास तो होना चाहिए, बट वैसा सीन ही नहीं है इसमें। तुम 10 मिलियन लगा रहे हो तो तुम पे 12 मिलियन 13 मिलियन ऐसा कुछ आएगा, तो ये थोड़ा ना, और मेरे को पता नहीं, मे बी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं उसलिए ऐसा होता है। अगर डायरेक्ट नई गाड़ी का सीन होगा कुछ तो फिर शायद कुछ अलग से हो सीन, तो पता नहीं। नए कार्स का कार डीलरशिप भी तो सेकेंड हैंड का ही होता है ना आई गेस। कोई नए कार का गेम बताओ मेरे को जिसमें डायरेक्ट न्यू कार्स होती हैं, कुछ है क्या ऐसा? मतलब मेरे को जितनी पता है मैक्सिमम जो होती है डायरेक्ट सेकेंड हैंड कार्स का ही सीन होता है। चलो थोड़ी बची है, 50 कार्स अपन ने सेल कर दिया अभी तक, नया अचीवमेंट हो गया अपना अनलॉक। ठीक है, आई थिंक 3 या 4 ही बची है, बिक जाएंगी ये भी फटाफट। अरे सर, 1 2 3 4 5 बची है। ओके यहाँ पे देखते हैं लोगों को। ओके ना आपसे बट ये ध्यान रखूंगा मैं, प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस और मतलब जो होता है उसके दोनों तरफ एक स्टार्टिंग टू एंडिंग, उन दोनों के सेंटर का ही रखूंगा लगभग लगभग, तो ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं इसको ऑडी के हिसाब से चल रहा था, वो यहाँ पे क्या हिसाब में चलती है मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब फरारी अपन ने बेची है बट मैंने इतना स्पेसिफिक नोटिस नहीं किया था, तो मैं ना इसको अपने ऑडी के हिसाब में चल रहा था कि इतना इतना गया है तो इतने में तो जाएगा ही जाएगा, पर थोड़ा अलग सीन है। अभी ये कोई कोई पीछे क्यों जाते हैं? मैक्सिमम लोग तो साइड में या सामने रहते हैं, पीछे कौन जाता है यार गाड़ी के? ओके दीदी ले लो, मज़ेदार गाड़ी है, मज़ा आ जाएगा दौड़ा के आपको। यस गुड डिसीजन। ओ भाई अच्छा भाई, एक सेकंड को तो लगा मेरे को 499 बोल रहा है यार। 499 बोलता ना मज़ा आ जाता अपने को कसम से। अरे यार इससे क्या कम करूँ यार मैं, 4 गाड़ियाँ तो बची हैं, फटाफट बेचते हैं आई गेस हो जाएगी। ओ 10 मिलियन हो भी गए भाई, 11 साढ़े 11 मिलियन हो गया ऑलमोस्ट, तो 4 है। ओके तो मतलब 12 13 मिलियन के आसपास हो जाएंगे। हाँ ओके ठीक है, अब 15 तो नहीं होंगे बट ठीक है। मतलब ये अगर सारे बेच देना अपन तो इजीली हो जाएंगे 15 मिलियन, बट रहने देते हैं वो सब गाड़ियाँ, बाद में फुर्सत में कभी मस्त मुहूर्त वगैरह निकाल के बेचेंगे अपन। ओके इनका क्या सीन है अभी? 4 लाख दे रही हैं, 5 मुश्किल है, मेरे को पता है मुश्किल है, नहीं देंगी पता था। चलो तो इतना तो एक्सपीरियंस आ गया अपने को कि इन लोग का प्राइस अपन देख के समझ जाते हैं। ये शायद ले ले, इनका चांस है। ओके थोड़ा कम कर सकते हैं अपन बट करना नहीं है अपने को। 500,000 इज लास्ट प्राइस वी कैन ऑफर, इसलिए कि अपने को हिसाब परफेक्ट बिठाना है। अभी मैं कम कर दूंगा अभी तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, बट नहीं नहीं कम करेंगे हम। लो पहलवान जी, अभी दोनों एक दिखता है भाई, जाओ तो दो दो रहते हैं अंदर। ओके ये ले लेगा, ले लेगा, ले लेंगी पता नहीं, अच्छा लड़का है ना, ले लेंगे ये जी। थैंक यू सर, लास्ट 2 बच्ची हैं, आप दोनों ले लो एक एक, दोनों रेस लगाना साइड में मस्त दौड़ा दौड़ा के। ओके ये शायद मुश्किल है इसका लेना, वो ही लेगा, लेगा तो पता था। दीदी आप क्या क्या ऑफर है? 4.5 का ऑफर तो 5 में भेज दूंगा। वाह ओके शायद हो जाए। हाँ चलो चलो भाई, लास्ट फरारी बची है आज की, ऑलमोस्ट 13 मिलियन हो गया अपना प्रॉफिट, मतलब 3 मिलियन था अपने पे। हाँ तो ऑलमोस्ट मतलब 10 मिलियन किया है अपने प्रॉफिट अगर टेक्निकली देखा जाए। तुम लोग कमेंट में एक बार बता देना स्टार्टिंग में अपने पे कितना, 3 मिलियन ही था ना? मेरे को जहाँ तक याद है 3 मिलियन ही था, तो भी 13 मिलियन लगभग हो ही गया, प्लस इसका थोड़ा बहुत अगर पहले का होगा, अगर 3 मिलियन 2 लाख 3 लाख तो इसका भी प्लस हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट अपन ने 10 मिलियन जितना सोचा उतना ही किया है अपन ने प्रॉफिट। मैं ना मतलब प्राइस थोड़ी ज़्यादा मान के चल रहा था, अगर एक्चुअल में बिक जाती ना भाई 800 900 K में, खतरनाक सीन हो जाता तब तो, मतलब नेक्स्ट लेवल पे सीन होता, तब 17 18 मिलियन पहुंच जाता इजीली। तो
ठीक है, कोई बात नहीं, और अच्छे गाड़ी हाला के बेचेंगे। सीन ये है ना, मैं GTR वगैरह अगर और ज़्यादा मिले अपने को तो अपन कुछ करेंगे। अरे ये प्लस क्यों नहीं हो रहा है? मेरा XP गाड़ियों से सेल कर रहा हूँ तो पता नहीं क्या हो गया। लास्ट गाड़ी बची है, कोई आ क्यों नहीं रहा है? ये ना ये ऑडी, अपने को ये ऑडी या पोर्च पे भी दिक्कत हुई थी जब अपन ने सारे गाड़ियां बेची, लास्ट वाली बची इस तरफ कहीं थी लास्ट वाली, तो वो भी ना बिकने में बहुत प्राइस ले वो ले रही थी टाइम, इसलिए इन लोगों ने ना फिर प्राइस गिरा दिया था काफ़ी ज़्यादा, प्राइस वगैरह गिरा के बहुत ज़्यादा वो कर दिया था इन लोगों ने। तभी ये देखना पड़ेगा, रात होने आ गई, जाके मेरे को लग रहा है सो के ही आना पड़ेगा। तो अपन ने देखो डे वन पे 2.5 मिलियन कमाया, अभी प्लस करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा प्लस कितना हुआ है। अरे आ जाओ यार, कोई लास्ट गाड़ी है ले लो, खत्म करो। मत अगर मैं ऐसे देखूँ तो अपने को सबसे ज़्यादा फायदा जो है ना ऑडी में ही आया है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है अपने को ऑडी में अब तक। हाँ रेयर कार्स अपन ने नहीं बेची, इसलिए कि रेयर अपने को दो ही मिली थी, एक बेच दी अपन ने, एक अब मिली है तो रखा है अपन ने। थर्ड वाली मिली थी तो उसका तो अलग ही हिसाब हो गया कांड। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है 49 कर देते हैं, निकलते हैं फिर कहाँ, मतलब 10-15। ओके भाई एक सेकेंड को तो लगा, मैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया कम, नहीं चलो सो के ही आते हैं, नहीं ले रही है ये। अभी सीन अपने को ये देखना है ना कि अपने को बिल कितना पड़ेगा, वो भी अलग टेंशन है भाई। इन लोग का टैक्स वैक्स पड़ता है, जो भी पड़ता है बहुत खतरनाक पड़ जाता है वो भी। ओके ओके 7, 8, 9, ओके तो 9.5 मिलियन अपन ने फ़ायदा किया और लगभग 5, हाँ तो हो गया 10 मिलियन का फ़ायदा हो गया। बस टैक्स पड़ेगा वो थोड़ा, वो तो मतलब ठीक है अपना उसी में आता है टैक्स में भाई, 2 लाख हद होती है यार, 2 लाख का। बट ठीक है ना, इतना अगर कमा रहे हैं अपन 1 करोड़ में, 2 लाख मतलब 2% या 2.5% कुछ पड़ा है अपने को मोटा मोटा हिसाब। लास्ट कह रहे सर आज की, अरे ऑक्शन वगैरह कुछ नहीं आया, मार्केट भी ओपन नहीं है अभी, होता तो जाके वहाँ भी चक्कर मार के आते। मैं ना एक बार सोच, कभी कभी सोचता हूँ एक बार गाड़ी अपन जितने में जो मिले उसको उतने में ही बेचें तो एग्जैक्ट, जैसे मान लो अपन मार्केट से बाई किए, रिपेयर कुछ नहीं कराए या मैक्सिमम रिपेयर कराए, ट्यूनिंग नहीं पेंट नहीं, बस खाली अपन ये कराएं तो कैसा रहेगा, खाली रिपेयर करके डैमेज ख़त्म कर दो बेच दो, ट्राई कर सकते हैं। बट चलो भाई बिक गई फाइनली अपनी लास्ट वाली भी, हो गए अपने पे 13 मिलियन। ओके तो टैक्स अगर मिला के ही रखें तो ओके 10 मिलियन ये थे पहले के, ये थे अभी 13 मिलियन है भाई, 13 मिलियन में धूमधाम गाड़ी आ जाएंगी। इसलिए कि अपन ने जब ये फरारीज ली थी तो आई थिंक अपने 8 मिलियन कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, 6 तो नहीं था, एक अपन ने 300 में ली तो 3, मतलब 3 मिलियन, 3 मिलियन, 6, 7, 8, 9, 10 मिलियन के आसपास था क्या अपने पे, पता नहीं मार्केट बंद। चलो सेल तो हो गया, जाते हैं घर पे सो के ना एक बार, फिर मार्केट वगैरह थोड़ा चेक कर लेते हैं मार्केट के ऑप्शन क्या है, तो अच्छी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। अबे ओए मैंने 280 में बेची क्या उसको, ये क्या? अच्छा हाँ इतने में बची है, टैक्स का कटा है ना प्रॉफिट। मैं वही भाई एक सेकेंड के लिए बौरान हो गया मैं कि ये क्या सीन चल रहा है, 280 में कहाँ से बेच दिया अपन ने। ओके लैम्बो 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 का क्या सीन है, देखे तो एक बार लैम्बो कितने में बिकेगी? हाँ लगभग उतने में ही बिकेगी ये भी, मतलब थोड़ा बहुत कम में ही बिकेगी लग रहा है मेरे को, और फरारी से ठीक है, कुछ खास गाड़ी तो है नहीं यहाँ पे। ओके तो ठीक है आई थिंक फिर इतना काफ़ी आज के लिए, अभी तो ऑक्शन वगैरह भी नहीं लगा है प्लस ये सब गाड़ियाँ हैं अपनी। मैं ना मैं सोच रहा हूँ ओवर टाइम अभी मतलब देखेंगे अपन, मैं दूसरे गेम भी काफ़ी ढूंढ रहा हूँ यार, काफ़ी दिन से ढूंढ रहा हूँ बट कुछ ऐसे मिल नहीं रहा है कुछ अच्छा गेम। बट जब तक ये खेलेंगे तो ओवर द टाइम अपन ये सब भी करेंगे थोड़ा, लाइक रेयर कार्ड्स भी कोशिश करेंगे जमा कर लें, तो एटलीस्ट 5-10 तो हों तब अपन सेल पे लगाएं, 1-2 लगा के तो मतलब नहीं है। मतलब जमा करने को तो मैं कर सकता हूँ एक ही बारी में, वही सेम जैसे अपन ने की थी फरारी लास्ट वीडियो में, डे स्किप कर करके वेट करते रहना पड़ेगा बस रेयर कार आने का, बट बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, तब वो अपन ना स्ट्रीम पर ट्राई कर सकते। बट मैं सोच रहा हूँ आपकी बार स्ट्रीम पे कुछ अलग गेम ट्राई करें अपन,
बट अभी देखो कौन सा, मेरा दिमाग खुद ही काम नहीं कर रहा है। कोई गेम ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है मेरे को कि जिसको रेस्पॉन्स देंगे। कोई आर्क था, आर्क भी अपन ने जो इनिशियल था वो तो ख़त्म कर लिया। अब मैं सोचा था वो खेलेंगे अपन ना, स्क्वाश अर्थ करके होता है एक मैप, बट फिर सोचा प्राइमल फेयर खेल लेंगे। फिर क्या बोलूँ, तो वो तो अलग ही कथा चल रहा है उसका भी। वो करते हैं सब फटाफट। हो गया फाइनली, हाँ हो गया। चलो भाई यार, ये मेरे को पता नहीं कार सेल करते समय को लग रहा है नहीं मिला है अपने को कुछ खास है सरप्राइज। चलो इसको करते हैं सेव। तो ठीक है गाइस, आई थिंक इतना थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था आज का। तो होपफुली मज़ा आया होगा तुम लोग का। नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, एंड कमेंट्स में मेरे को बताओ और कोई गेम्स के अलावा कौन सा देखना चाहते हो, या कोई ऐसा गेम बताओ जो थोड़े कम यूट्यूबर खेल रहे हो या ज़्यादा लोग ना खेल रहे हो बट लोग देखना चाहते हो, ऐसा कुछ गेम तुमको आइडिया तो ना अपने को रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, पीस।